अंबेडकर का अवतार, या आप ये कह सकते हैं कि सुधीर का अवतार। बेसिकली पहले अवतार समझ लें कि अवतार क्या है। अवनति तो जानते होंगे, अवनति क्या होती है? अवनति होती है, अब माने होता नीचे, जिस शब्द के आगे अव लग जाए उसका मतलब वो डाउन हो गया, नीचे हो गया या पीछे हो गया। जैसे गति में अगर अव लग जाए तो वो हो गई अवगति, यानी कि गति कम हो गई, नीची हो गई। और अगर उन लग जाए तो उन्नति हो गई, यानी उन्नति हो गई। अब तो ये अब जो शब्द है ये डाउनग्रेड कर देता है, नीचे की तरफ खिसका देता है किसी भी चीज को। जैसे आप कहते ना काड़ले, काड़ले का मतलब होता है खींच ले। पंजाब के अंदर, हरियाणा के अंदर एक शब्द चलता है, अरे काड़ले काड़ले काड़ले, यानी कि इसको खींच ले, दूध को काड़ ले। दूध को काड़ना तो उत्तर प्रदेश में चलता है कि दूध काड़ना है। तो काड़ने का मतलब होता है खींचना, पीछे खींचना, यानी कि निकालना। अब कड़न अगर उसमें लग गया तो निकालना है, खींचना है, मगर पीछे खींचना है, यानी नीचे की तरफ खींचना है। तो जैसे जो दूध निकालते हैं वो नीचे की तरफ खींचते हैं, तो उसको बोलते हैं अवकड़न। या आपने देखा होगा अवनति, यानी कि एक अवनति शब्द है जो अच्छी तरह चलता है, इसका मतलब नीचे की तरफ गिर रहा है। ऐसे ही होता है अवतरण। अवतरण का मतलब है डिसेंडिंग, यानी कि नीचे की तरफ उतरना, अवतरण। और अवतरण के बाद आता है अवतारी। अवतारी का मतलब है जो नीचे उतरने वाला है या जो अवतरण को ग्रहण करने वाला है, यानी जो डिसेंडिंग ऑर्डर में है, नीचे है, जो उतर रहा है, इसका पतन हो रहा है, जिसकी अवनति हो रही है, उसको बोलते हैं अवतारी। और अवतारी कोई भी व्यक्ति हो सकता है जो नीचे की तरफ जाता है। तो अब अवतार समझें कि अवतार क्या है। पाली के हिसाब से अवतार और अवतारी एक ही बात है। बेसिकली अगर जो मैं ये वीडियो बना रहा हूं और इस वीडियो को आप देख रहे हैं और आपका मन ऐसी ही वीडियो बनाने का कर रहा है और आप ऐसी वीडियो बना रहे हैं, तो आप ये कह सकते हैं कि आपने मेरी वीडियो को कॉपी किया है, या ये जो मेरी स्टाइल है वो आपने कॉपी की है, या उससे आपने प्रेरणा ली है, या आप उसको सीख रहे हैं, या आप उसने बनाया। और मैं अगर ये कह दूं कि आप मेरे अवतार हैं, मेरे अवतारी हैं, इसका मतलब कि आप मुझसे नीचे की श्रेणी में हैं, मैं आपका आगे हूं और आप मुझसे नीचे की श्रेणी में हैं। तो आप जीवन भर मुझसे डाउन रहेंगे, नीचे रहेंगे, चाहे आप कितना भी अच्छा वीडियो बना लें। इसको बोलते हैं अवतारी। यानी कि एक व्यक्ति जो दूसरे को अवतारी बोलता है वो हमेशा ऊंचा रहता है। ये एक स्टेप वाइज है, यानी जितने अवतार होंगे, अवतार के अवतार, उतने वो स्टेप बाय स्टेप नीचे होंगे, उनको अवतार बोलते हैं। तो अगर सुधीर का कोई अवतार है तो वो सुधीर से हमेशा नीचे होगा। और अगर डॉक्टर अम्बेडकर को किसी का अवतार बना दिया जाता है, तो अवतार का मतलब है कि जिसका अवतार बनाएंगे डॉक्टर अम्बेडकर, पूरी जिंदगी उसके नीचे रहेंगे, उससे छोटे रहेंगे। ये अवतार का फिनोमिना है, ये अवतार का प्रोसेस है। क्योंकि अवतार का मतलब है अवतरण, अवतरण का मतलब है नीचे की तरफ उतरना, नीचे की तरफ उतरना, डिसेंडिंग। तो अवतार हमेशा जिसको बनाया जाता है वो किसी के नीचे होता है। अवतार क्यों बनाया जाता है और अब कैसे बनाया जाता है? अवतार तो पूरी जिंदगी में लोग बनाते रहते हैं, क्योंकि जिसको वो नीचे रखेंगे उसको ऊपर वाले का वो अवतार बोल देते हैं। बनाया इसलिए जाता है कि अगर किसी व्यक्ति की क्षमता ज्यादा हो, या किसी को अपने कब्जे में करना हो, या किसी को खरीदना हो, या किसी की मान्यता खत्म करनी हो, या किसी को ऐसा लगता है कि ये हमारी मान्यता को चैलेंज करेगा, या ऐसा लगता है कि ये हमारे काम को खराब करेगा, तो उसकी घोषित कर देते हैं कि ये अब हमारा अवतार है। अगर एक बार अवतार को घोषित कर दिया तो फिर वो नीचे डिसेंडिंग ऑर्डर में आ जाता है, फिर वो नीचे रहेगा। ये अवतार का प्रोसेस और फिनोमिना है। इसके लिए कोई लिखित में कानून नहीं है कि अवतार कैसे बनाए जाते हैं और कैसे होते हैं। दुनिया में करोड़ों अवतार कोई भी बना सकता है, मनुष्य का अवतार, काल्पनिक कथाओं का अवतार, कैसा भी अवतार बनाया जा सकता है। तो अवतार जो होता है उसको बनाने का प्रोसेस डिक्लेरेशन से है, कि जैसे मैंने ये कह दिया कि मेरा पुत्र मेरा अवतार है, तो वो हो सकता है क्षमता में मुझसे ज्यादा हो, मगर अगर मैंने ये घोषित कर दिया कि वो मेरा अवतार है, तो वो उसका काम हमेशा मुझसे नीचे रहेगा, काम भले ही कुछ भी है। तो अवतार जो बनाया जाता है वो सामने वाले की प्रतिभा को मारने के लिए, सामने वाले की प्रतिभा को खत्म करने के लिए, सामने वाले को कभी आगे नहीं बढ़ने के लिए, सामने वाले की अपने में शामिल करने के लिए,
सामने वाले के विचार को अपने विचार में मिलाने के लिए, सामने वाले को जो व्यक्ति बहुत कुछ कर सकता है उसको वो नहीं करने के लिए, या जो वो कुछ करना चाहता है वो ना कर पाए उसके लिए अवतार घोषित किया जाता है। अवतार घोषित करने की प्रक्रिया बहुत साइलेंट होती है, ये कभी एक साथ डिक्लेरेशन में नहीं आती कि ये अवतार हैं, पहले उसकी पूजा कराई जाती है। जैसे डॉक्टर अम्बेडकर की पूजा करते हैं, तो पूजा वो लोग करते हैं जो उनसे परेशान हैं। मूर्ति रखेंगे, माला रखेंगे, नीचे झुकेंगे, नमस्कार भी करेंगे, मगर बात नहीं मानेंगे। यानी कि सिर्फ नाम के लिए अवतार हैं, काम के अवतार नहीं है। अगर काम का अवतार मानना तो फिर हम अवतार ही क्यों मानेंगे। तो उन्होंने क्या किया, क्या करना चाहते हैं, क्या नहीं किया, क्या उनका फिलॉसफी है, क्या विचार है, वो नहीं। अवतार का सिर्फ नाम है, आपका पूजन होगा। यानी डॉक्टर अम्बेडकर को जो अवतार मानेगा या जो अवतार मानता है वो सिर्फ उसका पूजन करेगा, ये पहचान है। वो कभी भी बात नहीं मानेगा, फिलॉसफी नहीं मानेगा डॉक्टर अम्बेडकर की। तो डॉक्टर अम्बेडकर कुड बी नेक्स्ट अवतार, इनकॉर्नेशन हो सकता है उनका, आगे वो अवतार बन सकते हैं। अवतार बनने की एक ये भी पहचान है कि बड़ी महिमा मंडित किया जाएगा, नाम सब में अवतार घोषित किया जाएगा, मगर बात नहीं मानेंगे, शिक्षा नहीं मानेंगे, ये सबसे बड़ी पहचान है। अवतार वाले जो अवतार को घोषित करते हैं वो सर पे फोटो लेके घूमेंगे, ये कहेंगे कि ये हमारा वंशज है, उसको अपने वंश में लाएंगे, ये कहेंगे कि इस पे चमत्कारी शक्तियों का कोई कारण था, वो चमत्कारी शक्तियाँ हमारी थीं, या उसका कोई गुरु ऐसा घोषित करेंगे जो उनके समुदाय का होगा, कहेगा कि ये गुरु हमारा रहा है इसलिए ये आदमी इतना काबिल हुआ, या कहेंगे कि इसको पैसा हमारे किसी आदमी ने दिया इसलिए ये ऐसा हुआ, या कहेंगे कि ये इसका जो बीज है, ये जो जहाँ से पैदा हुआ है वो बीज इसका नहीं है, या कहेंगे कि इसका जो सोल है, आत्मा है, वो इसकी नहीं है, वो किसी हमारे किसी आदमी की है। मतलब जैसे ये साम दाम दंड भेद जैसे भी है, चाहे करप्शन करके, चाहे करप्ट करके, चाहे कन्फ्यूज करके, चाहे कन्विंस करके, मन में ये बात डालना है कि ये जो व्यक्ति इतना ऊंचा है, ये बेसिकली व्यक्ति तुम्हारे यहाँ का नहीं है, ये व्यक्ति हमसे संबंधित है। और वो ये भी कह सकते हैं कि देखो जो पत्नी थी वो पत्नी हमारी थी, इसलिए हमारे कुल की, हमारे खानदान की थी, इसलिए ये ऐसे हुए, या उनका परछाया ऐसा था, या बहुत सारी बातें हो सकती हैं, मगर बात नहीं मानेंगे डॉक्टर अम्बेडकर की बात। और 22 प्रतिज्ञा तो कोई नहीं मानेगा, चाहे कितना ही अवतार घोषित कर ले, वो तो बिल्कुल नहीं मानेगा, वो तो जहर है वो तो ये पहचान है। तो डॉक्टर अम्बेडकर अवतार बन सकते हैं, ये अवतार की पहचान है। ऐसे अवतार बना के बहुत सारे लोगों को खत्म किया जाता है, ये रणनीति पूरी दुनिया में चलती है। दरअसल पूरी दुनिया में जो झगड़ा है वर्चस्व का है, कि हमारा शासन और हमारा प्रशासन और हमारे अधीन लोग होने चाहिए, हमारे मानसिक गुलाम होने चाहिए, हमारे शारीरिक गुलाम होने चाहिए, हमारे आर्थिक गुलाम होने चाहिए, हमारे सामाजिक गुलाम होने चाहिए। तो उस गुलाम को बनाने के लिए अगर कोई व्यक्ति बहुत अच्छी स्थिति प्राप्त कर ले, तो उसको छोटे मोटे तो बहुत सारे चलते रहते हैं, जैसे कुछ अफसरों की शादियां उनको कर लेते हैं, या छोटा मोटा उनकी प्रशंसा कर लेते हैं, या उनकी माला पहनाते हैं, या कहीं उनका मान सम्मान कर देते हैं। बहुत सारे लोग हैं जिनको अपने मंच पर बुला के अवतार तो घोषित नहीं करते, मगर उनको कहते हैं बड़े महापुरुष हैं, उनका सम्मान कर देते हैं, वो पूरी जिंदगी उस सम्मान को लेकर घूमते रहते हैं, हमारा तो सम्मान बड़ा हुआ उन लोगों ने किया। बात नहीं मानेंगे, देंगे कुछ नहीं। तो ये जो अवतार होता है, इसे थोड़े से आप ध्यान दें और सावधान रहें। अवतार बेसिकली एक पाली भाषा का शब्द है, जिसका मतलब है अवनति, नीचे की तरफ गिरना, डिसेंडिंग ऑर्डर में आना, और इसका कोई मतलब नहीं होता। अवतारों का कहीं कोई साहित्य नहीं मिलेगा आपको, अवतारों की कहीं चर्चा नहीं मिलेगी, जो मिलेगा पाली में थोड़ा बहुत आपको समझ में आ जाएगा कि अवतार क्या होता है। धन्यवाद। आप सभी से ये निवेदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है, या बाकी वीडियो अच्छी लगी हैं, और आपको लगता है कि धर्म की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए, या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए, या किसी भाषा में कन्वर्ट करके आगे बढ़ानी चाहिए, या प्रिंट में किताब में छापनी चाहिए, या इसकी जो ऑडियो है उसे निकाल के भेजना चाहिए, या इसका किसी पार्ट को इस्तेमाल करना चाहिए, तो आपको लिबर्टी है, आपको छूट है, ये सभी कॉपीराइट फ्री हैं। आप अपने फेसबुक पे, अपने पेज पे, अपने ट्विटर पे, या अपने हैंडल पे, या लिंक को कहीं भी शेयर कर सकते हैं, कहीं भी चला सकते हैं, आप यूट्यूब पे भी चला सकते हैं, अपने नाम से चला सकते हैं। इसके लिए इजाज़त लेने की या परमिशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप इसको अपना मान के चलाएं, क्योंकि धम्म सबका है, हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुरुषों का है, उन्हीं की बात को सरल भाषा में बताते हैं। हमारा सिर्फ इतना राइट है इस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं, बाकी सारी ये पूंजी आपकी है। धन्यवाद।